विद्यार्थी मित्र हो नमस्कार मी एल डी ढगे आमच्या इनोव्हेटिव्ह पब्लिकेशनच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो विद्यार्थी मित्र हो आपणास माहीतच आहे की सध्या आपण एमसी क्यू ची टॉपिक निहाय व्हिडिओ सिरीज पाहत आहोत मागील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक तेरा एल्युमिनेशन यावरील महत्वपूर्ण एम सी पाहिले एकदा आज अपना समोर आम्लिकेशन चे लेक् शेख हैदर सर घेन आवदावे युनिट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या वाली काम सी क्यूज विद्या हो हा वीडियो आवेशेर करा करा व आम च आईवीवीपी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा बोबर बेल आयकॉन मध्य ऑल नोटिफिकेशन ला क्लिक करना विसरू नका चला तो मग पहुया अपने चौदहवे यूनिट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या वरिल एम पहला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्केल याने यहाँ पर दी वाली स्केल का नाम हमको बताना है ऑप्शन नंबर ए लीनियर स्केल ऑप्शन नंबर बी कोर्स स्केल ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंडेड स्केल ऑप्शन नंबर डी नॉन लीनियर स्केल अब यहाँ पर जो हमको स्केल दी है वो कैसा डिवाइड किया गया अन यूनिफॉर्म डिवाइड किया जाए मतलब एक जैसा डिवाइड नहीं है अब यहाँ पर अगर इसको अगर गौर से देखते हैं थोड़ा तो यहाँ पर जो इनिशियल जो स्टेज है यहाँ पर ज़्यादा क्राउडली मतलब क्या है जो स्केल हमारा ऐसा स्केल है तो क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है मतलब क्या गर्दी ज्यादा है ठीक है उसके बाद में थोड़ा थोड़ा उसको क्या करें हमने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दी और थोड़ा एक्सटेंड करते गए थोड़ा सा और अब इसके बीच का जो गैप है ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कैसा है एक जैसा नहीं है मतलब कैसा है नॉन लीनियर ये स्केल को हम बोलेंगे नॉन लिनियर स्केल यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर नॉन लिनियर स्केल अगला सवाल है हाउ टू अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट यानी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके मेजरमेंट में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी हम कैसे ला सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कीप लो इनपुट इनपिट ऑप्शन नंबर बी कीप इनपुट हाई इनपुट इम्पिडेंस ऑप्शन नंबर सी यूज शॉर्ट कनेक्टिंग लीड ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड करेक्ट डैम्पिंग सिस्टम अब जब भी हम किसी भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे और मैक्सिमम इफिशियंसी अगर इफिशियंसी यानी मैक्सिमम एक्यूरेसी से अगर उसको हमको काम कराना है तो उसका इनपुट इम्पिडेंस कभी भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए यानी हाई इनपुट इम्पिडेंस ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर होगा कीप इनपुट इंपिडेंस हाई अगला सवाल है विच इज द पोजिशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग कंट्रोल यानी स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कौन सी स्थिति यानी कौन से पोजिशन में करना सही होगा ऑप्शन नंबर ए एनी पोजिशन ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल पोजिशन ऑप्शन नंबर सी इंक्लाइंड पोजिशन ऑप्शन नंबर डी हॉरिजेंटल ओनली अब यहाँ पर दिए वाले जो भी पोजिशन है यहां पर हमको पहले तो क्वेश्चन क्या किया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हमने स्प्रिंग कंट्रोल इस्तेमाल किया गया है। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल किया गया है अब नॉर्मली हम स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल किस लिए कर दे टू तो प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क अब कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के हमारे पास मेथड है एक कौन सा है स्प्रिंग कंट्रोल है उसके बाद में ग्रेविटी कंट्रोल है उसके बाद अभी ये जो है तो यहाँ पर अगर स्प्रिंग कंट्रोल का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन हम कैसे भी रख सकते हैं उसमें वर्टिकल हॉरिजेंटल इंक्लाइन का ऐसा कोई भी परफेक्ट एक परफेक्ट फिक्स पोजीशन रहना ऐसा जरूरी नहीं है अगर स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट को हम किसी भी पोजिशन में इस्तेमाल कर सकते यानी ऑप्शन नंबर ए एनी पोजिशन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनी पोजिशन अगला सवाल है विच इंस्ट्रूमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है ऑप्शन नंबर ए एसी सी होल्ट मीटर ऑप्शन नंबर बी डीसी सी होल्ट मीटर ऑप्शन नंबर सी एनर्जी मीटर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अब यानी इंटीग्रेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है अब जब भी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर द क्वांटिटी या कौन से क्वांटिटी पावर विथ रिस्पेक्टिव टाइम यानी जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है पावर कंजन विध रिस्पेक्ट क्या कहता है Register करता है उसको हम क्या क्या so, क्या करते हैं हैं तो कहते और inner, time का multiplication product. So, क्या so, का अगर करें होगा होगा हमारे पास इस ऑप्शन नंबर सी एनर्जी मीटर अगला सवाल है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज विथ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन नंबर ए मूविंग कॉल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन नंबर बी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन नंबर डी मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन किया गया है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किस इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल किया जाता है अब जहाँ पर डैम्पिंग जो है तो डैम्पिंग हम अलग अलग तरह से प्रोवाइड कर सकते एक करंट डैम्पिंग दूसरा फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग तीसरा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है मूविंग कॉइल यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जिसे हम पी एम एम सी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं वहां पर हम जो डैम्पिंग है वो डैम्पिंग एडी करंट से प्रोवाइड करते कौन सा एडी करंट से और दूसरा जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट अगला सवाल है विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट द सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क यानी कौन से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पर सिंगल फेज एनर्जी मीटर काम करता है यानी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ठीक है अब यहां पर ऑप्शन नंबर ए हीटिंग इफेक्ट ऑप्शन नंबर बी इंडक्शन इफेक्ट ऑप्शन नंबर सी केमिकल इफेक्ट ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट अब यहां पे क्वेश्चन क्या गया विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क अब अगर सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो अगर एनर्जी मीटर की अगर बात कर रहे हैं अगर ए एनर्जी मीटर अगर होगा तो वहां पर इंडक्शन प्रिंसिपल ही वर्क करेगा फिर सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडक्शन इफेक्ट अगला सवाल है हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की पहचान हम किस तरह से करेंगे ऑप्शन नंबर ए नो टर्मिनल मार्किंग ऑप्शन नंबर बी टर्मिनल मार्क प्लस ओनली ऑप्शन नंबर सी ओनली टर्मिनल कलर रेड ऑप्शन है मूविंग आयरन है एम आई इंस्ट्रूमेंट अब जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है यह इंस्ट्रूमेंट ए सी एज वेल एज डी सी दोनों पर काम करते हैं यानी इसका इस्तेमाल हम ए सी एज वेल एज डी सी मेजरमेंट के लिए कर सकते तो यहाँ पर पोलैरिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट पर किसी भी टाइप का पोलैरिटी मार्किंग नहीं होगा यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा नो टर्मिनल मार्किंग अगला सवाल है वाई टू स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्यूमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर यानी एल्यूमिनियम डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर यानी एनर्जी मीटर के एल्यूमिनियम डिस्क में दो स्टेट होल्स क्यू दिए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए टू अवॉइड डिस्क वेट ऑप्शन नंबर बी फॉर पावर फैक्टर करेक्शन ऑप्शन नंबर सी टू प्रिवेंट द लीकेज फ्लक्स ऑप्शन नंबर डी टू अरेस्ट क्रिम्पिंग एरर अब यहां पर जो बात की जा रही है बात की जा रही किसकी एल्यूमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर जो एल्यूमिनियम डिस्क रहती है एनर्जी मीटर के अंदर वो कैसा रहता है फ्री टू रोटेट इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट जो दो इलेक्ट्रो एक सीरीज और शंट मैग्नेट दोनों के बीच में हम क्या करते हैं उसको रखते हैं अब जब भी उस पर फोर्स क्रिएट होगा तो क्या होता है रोटेट होती अब यहाँ पर हमको वह बात की गई कि उस पर होल्स क्यों दिए जाते हैं अब अगर सपोज इन केस अगर कोई लोड नहीं है मीट अब अभी, अभी हम घर में सपोज हमारे घर में एनर्जी मीटर है और वहाँ घर में हमने किसी भी टाइप का लोड ऑन नहीं है लेकिन फिर भी एनर्जी मीटर है वो एनर्जाइज है क्योंकि सप्लाई को कनेक्टेड है किसको कनेक्टेड है सप्लाई को कनेक्टेड है अब ऐसे केस में क्या होता है जो आ, शंट कोयल रहता है यानी होल्टेज कॉयल जिसको हम प्रेशर कोयल भी कहते हैं तो प्रेशर कोयल क्या रहता है कंटिन्यू एनर्जाइज रहता है अब उस वजह से क्या होता है कभी कभी स्मॉलर और स्लोअर अमाउंट में एनर्जी जो एलिमेंट डिक्स रहता है एनर्जी मीटर का वो रोटेट होता है तो उसको रोटेट ना होने देने यानी जो क्रिम्पिंग एरर है वो इसको क्रिम्पिंग एरर को रोकने के लिए यानी उसे अरेस्ट करने के लिए एल्यूमिनियम डिस्क में क्या करते हैं दो होल किए जाते हैं यानी यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी टू अरेस्ट द क्रिम्पिंग एरर यह होगा सही आंसर अगला सवाल है वट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का कार्य या क्या है ऑप्शन नंबर ए डिस्प्ले द क्वांटिटी ऑप्शन नंबर बी इंडिकेट द क्वांटिटी ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर द क्वांटिटी ऑप्शन नंबर डी मेजर द क्वांटिटी अब यहां पर जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास इंटीग्रेटिंग का एग्जाम्पल है एनर्जी मीटर और एनर्जी मीटर क्या करता है जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या करता है quantity रजिस्टर करता है क्या करता है क्वांटिटी रजिस्टर करता है यानी ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर द क्वांटिटी ये सही क्या हुआ सही आंसर अगला सवाल है हाउ द क्रिम्पिंग एरर इज कंट्रोल इन एनर्जी मीटर यानी एनर्जी मीटर में क्रिम्पिंग एरर को हम किस तरह से नियंत्रित यानी कंट्रोल कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बाय रिड्यूसिंग रेटेड वोल्टेज ऑप्शन नंबर बी बाय इंक्रीजिंग द इंडक्टिव लोड ऑप्शन नंबर सी एडजस्ट द ब्रेक मैग्नेट पोजीशन ऑप्शन नंबर डी बाय ड्रिलिंग टू होल्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन डिस्क अब यहां पर बात की गई क्रिम्पिंग एरर की अब क्रिम्पिंग एरर क्या होता है जब भी एनर्जी मीटर नो लोड पर है फिर भी एनर्जी क्या करेगा रीड कर सकता है क्योंकि जो प्रेशर होगा होगा क्या रहेगा अब इसको अवॉइड करने के लिए इसको रोकने के लिए यानी इसको हम एरर करते है। एक एरर हैं अब को रोकने के लिए हम क्या करते हैं जो एल्यूमिनियम डिस्क होता है एल्यूमियम डिस्क के अपोजिट फेस पे क्या करते हैं दो होल्स करते हैं यानी यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा बाय ड्रिलिंग टू होल्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन डिस्क ऑप्शन नंबर डी सही आंसर अगला सवाल है वॉट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन अ मूविंग इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी मूविंग में सॉफ्ट आयरन कोर का क्या कार्य है ऑप्शन ए स्ट्रेटनेस स्ट्रीटनेस डिफ्लेक्शन फोर्स ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल द नीडल मूवमेंट्स ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड मीटर विथ मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर की अब ये सॉफ्ट आयरन कोर कहाँ रहता पहले तो सॉफ्ट आयरन कोर जो रहता है वो जो मैग्नेट के दो पोल रहते दो मैग्नेट के बीच में रहते सपोज हमारे पास क्या ये परमानेंट मैग्नेट है इसका एक पोल और ये दूसरा पोल ये दो पोल के बीच में हम क्या करते हैं एक सॉफ्ट आयरन पीस क्या करते प्लेस करते और इसके ऊपर हम क्या करते हैं क्वाल क्या करते हैं वाउंड करते क्या करते हैं इसके ऊपर क्वाल आयरन गुंडालते अब इल में से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो जो एयर गैप है जो ये एयर गैप है ये एयर गैप में कैसा होना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एक जैसा एक समान डिस्ट्रीब्यूशन को किसका मैग्नेटिक फील्ड का यानी जो सॉफ्ट आयरन का सॉफ्ट आयरन पीस का जो फंक्शन है जो काम है वो काम क्या है जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई उसको यूनिफॉर्मली क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना क्या करना है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी क्या है प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अगला सवाल है विच पैरामीटर इज द कॉज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी इसमें से कौन सी वजह है जिस वजह से इंस्ट्रूमेंट पर लोडिंग इफेक्ट होएगा ऑप्शन नंबर ए लो एक्यूरेसी ऑप्शन नंबर बी हाई सेंसिटिविटी ऑप्शन नंबर सी लो सेंसिटिविटी ऑप्शन नंबर डी लो इन्फ्लुएंस एरर अब जब भी हम बात करें किसकी लोडिंग इफेक्ट की अब जैसा अगर मीटर हमारा क्या होगा लो सेंसिटिविटी क्या लो सेंसिटिव तो क्या होगा हमको इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा तब जाके स्लो कुछ ना कुछ आउटपुट में क्या होगा डिटेक्ट होगा पहले तो बात करते हैं सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी क्या रहता है कोई भी मीटर का क्या रहता है चेंज इन आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट अगर हम स्मॉलर केस भी अगर इनपुट दे रहे स्मॉलर इनपुट भी दे रहे तो वो मीटर ने डिटेक्ट करने को ना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट क्या हुआ चेंज हुआ अगर स्मॉलर चेंज भी अगर इनपुट में हो रहा है आउटपुट में दिख कर आ रहा है डिटेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हाईली सेंसिटिव मतलब मीटर क्या है सेंसिटिव है कि अगर छोटा से छोटा भी चेंज अगर हो रहा है तो मीटर क्या कर रहा है डिटेक्ट कर रहा है तब क्या होगा मीटर पर लोड क्या हुआ कम हुआ अब अगर सपोज अगर मीटर क्या है लेस सेंसिटिव है स्मॉलर चेंज हुआ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा फिर और चेंज करे और थोड़ा तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तब ऐसे केस में क्या होगा कि मीटर पे लोड बढ़ते जाएगा और आउटपुट क्या होगा हमारा स्लोली चेंज होगा इसको कहते हैं लोडिंग इफेक्ट भी कहते हैं यानी जब अगर मीटर हमारा लो सेंसिटिव रहा उसकी वजह से मीटर पे लोडिंग इफेक्ट भी हो सकता है यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लो सेंसिटिव अगला सवाल है विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी इलेक्ट्रो डायनोमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट से हम कौन सी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए पावर ऑप्शन नंबर बी करंट ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर अब इलेक्ट्रो टाइप डायनोमीटर टाइप जो है इससे हम क्या करते है? वैट हम हैं इलेक्ट्रो डायनोमिक वैटमीटर हम बनाते हैं यानी हम वैट मीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं पावर लिए। टाइप, टाइप हम पावर मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रो टाइप डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम पावर मेजरमेंट फिर वो ए सी ओ एज वेल एज डीसी दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोटाइप डायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट रहते हैं पोजिशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर को जीरो पोजिशन से हलाने के लिए कौन से टॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन नंबर ए

कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है तो जो भी क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट है जैसे अगर वोल्टेज मेजरमेंट करना है वोल्टेज करंट मेजरमेंट करना है करंट पावर मेजरमेंट करना है पावर इसको क्या क्वांटिटी अंडर मेजर उसके ऊपर इसके डिफ्लेक्शन डिपेंड करेंगे मतलब डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्टिंग डायरेक्ट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट अब जो भी क्वांटिटी मेजर करना है वो क्या होगा उसकी वजह से क्या जो फोर्स क्रिएट होगा उसकी वजह से पॉइंटर क्या वो होगा फ्रॉम जीरो पोजिशन से आगे इसलिए यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिफ्लेक्टिंग फोर्स पॉइंटर को जीरो पोजीशन से आगे जाने के लिए डिफ्लेक्टिंग फोर्स की जरूरत होगी यानी ऑप्शन नंबर बी डिफ्लेक्टिंग फोर्स ये सही आंसर होगा अगला सवाल है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडेड इन एडवांस मेगा ओम मीटर यानी एडवांस मेगा ओम मीटर में तीसरे टर्मिनल का क्या काम है ऑप्शन नंबर ए गेट द हायर ओएमए की वैल्यू ऑप्शन नंबर बी पास द एक्सेसिव होल्टेज टू ग्राउंड ऑप्शन नंबर सी पास द एक्सेसिव करंट टू ग्राउंड ऑप्शन नंबर डी टू गेट एकट रीडिंग विदाउट ऑक्सीलेशन अब यहाँ पर जो एडवांस मेगा ओवम मीटर है इसमें तीसरा टर्मिनल हम इसलिए दिए जाते हैं ताकि जा जो ऑक्सीलेशन है वो ऑक्सीलेशन डैम्प आउट करके एक सही यानी एकट रीडिंग हम ले सके यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टू गेट एकट रीडिंग विदाउट ऑक्सीलेशन अगला सवाल है विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोल स्प्रिंग बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन नंबर ए स्टील ऑप्शन नंबर बी सिल्वर ऑप्शन नंबर सी टीन कॉपर ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस ब्रांस अब यहाँ पर जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोल स्प्रिंग बनाने के लिए फॉस्फरस ब्रांच यानी ऑप्शन नंबर डी फॉस्परस ब्रांच का इस्तेमाल किया जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉस्फरस ब्रांच अगला सवाल है विच इज द पोजिशन टू यूज इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विद ग्रेविटी कंट्रोल यानी ग्रेविटी कंट्रोल यानी गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण अगर इसको इंस्ट्रूमेंट में हम अगर दे रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट को हम किस पोजीशन में इस्तेमाल करेंगे एक नंबर ऑप्शन नंबर ए एनी पोजिशन ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल पोजिशन ऑप्शन नंबर सी इंक्लाइन पोजिशन ऑप्शन नंबर डी हॉरिजेंटल पोजिशन अब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को हम अगर ग्रेविटी कंट्रोल कह रहे ग्रेविटी कंट्रोल का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी पोजिशन नहीं चलेगी यहाँ पर अगर हम इंस्ट्रूमेंट को अगर वर्टिकल वर्टिकल रखते तब भी वो काम करेगा यानी क्या हुआ ग्रेविटी एक्ट होगा अगर हमने किसके पीछे अगर कुछ वेट बैलेंस वेट वगैरह कुछ लगा दिया ये ये वेट कब ऐड करेगा जब ये क्या हुआ वर्टिकल पोजीशन में रहेगा अगर इसको हॉरिजॉन्टल अगर पोजीशन पे रख दे तो ये क्या हुआ ग्रेविटी इस पर काम नहीं करेगी ग्रेविटी तभी काम करेगा ये जब ये इसकी पोजीशन क्या हुआ वर्टिकल पोजीशन यानी जब भी हम कौन सा ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट को हमको वर्टिकल ही यूज करना पड़ेगा यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल पोजिशन सही आंसर अगला सवाल है वॉट इज द पर्पस ऑफ वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस शन टाइप ओह मीटर यानी शन टाइप ओहम मीटर में जो वेरिएबल रजिस्टर है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ऑप्शन नंबर ए अवॉइड ड्रेनिंग ऑफ बैटरी ऑप्शन नंबर बी मिनिमाइजिंग द एरर इन रीडिंग ऑप्शन नंबर सी एडजस्ट द करंट टू सेफ वैल्यू ऑप्शन नंबर डी एडजस्ट द पॉइंटर टू जीरो एडजस्टमेंट अब यहां पर जो शंट रेजिस्टेंस का जो काम है कहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर जो हमने कनेक्ट क्रॉस शंट टाइप ओह मीटर में कहाँ पर शंट टाइप मीटर में कौन सा रजिस्टर कनेक्ट करें वेरिएबल रजिस्टर ये वेरिएबल रजिस्टर का काम होता है पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर एडजस्ट करना क्या करना है पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर एडजस्ट करना सो so, ये क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एडजस्ट द पॉइंटर टू जीरो एडजस्टमेंट अगला सवाल है विद टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क विद न्यूट्रल कनेक्शन यानी न्यूट्रल कनेक्शन के साथ कौन सा एनर्जी मीटर कार्य करता है ऑप्शन नंबर ए थ्री फेज टू एलिमेंट ऑप्शन नंबर बी थ्री फेज थ्री एलिमेंट ऑप्शन नंबर सी सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट ऑप्शन नंबर डी थ्री फेज टू एलिमेंट विथ सी टी एंड पी टी अब यहाँ पर जो सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट कौन सा सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट ही क्या करेगा न्यूट्रल के साथ काम करेगा सो so, यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा होगा क्या ऑप्शन नंबर सी सिंगल पेस, सिंगल एलिमेंट विद्यार्थी मित्र हो अशा प्रकारे आज यूनिट क्रमांक चौदह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या चैप्टर वरिल वरल कामसीक्यूज पहले पुढ़ वीडियो मध्य अपन यूनिट क्रमांक पंद्रह डोमेस्टिक अप्लायसेसर वर कई महत्वपूर्ण एम सी क्यूज पार आहोत तेव्हा भेटूयात डे आफ्टर टुमारो एका नवीन माहितीसह हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा व आमच्या आय व्ही पी ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल मधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची माहिती आपणास मिळेल धन्यवाद